अभम गुरु प्रसाद जप आब सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नाद होसी ही सत्य। सत संगत जी एकाग्रता बन जाए तो जड़िया संगत बाहर लंगर हाजिर जा रही हैं अगर जो मेरी आवाज सुन रही हैं तो उन्होंने बेनती है कि कृपा करके चुप का दान बख्शते हुए आप जी लंगर हाजिर जाओ। गुरु का अदब करना गुरु का सत्कार करना हर एक गुरसिख का फर्ज बनता है। सो मैं बेनती करूँगा आओ एक बार मूल मंत्र के नाम शुरुआत करिए सारिया संगत मिल के उच्चारण करो ताकि एकाग्रता बन जाए। एक ओंकार सतनाम करता गुरु निर्भाव निर्वय आकाल मूर्ख आजुनी सहब गुर प्रसाद जप आदि सत्य युगाद सत्य है भी सत्य नानक होसी ही सत्य नारायण नरक नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुर को भग भग जाइए आप मुक्त मोहे तारे। परम सन्मान गुरु का खास रूप साध संगत जी हो अज समूह संगत वालों सिख जगत की महान शख्सियत धन धन बाबा मक्खन शाह जी दुबारा तिना समर्पित तिना नतमस्तक होते हुए जो गुरु लादोरे दिवस है नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी सत संगत जी तिना नमस्कार करते हुए सतगुरु साहब जी को प्रणाम करते हुए इंज कह लिए साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का गुरगद्दी दिवस मनाते हुए गुरगद्दी पुरब को आप श्रद्धा के नाल भावना के नाल मना रहे हैं ते आप जी सरबत संगत ने मिल करके सतगुरु साहब जी की ओट से आसरा लिया है। मैं सारिया संगत दोवें हाथ जोड़ के निम्रता सहित बेनती करता हाँ एको बारी बेनती करन ते सारे फतेह बुलाओ जी सारे करो कृपा जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां गुरु साहब जी का गुरपुरब मनाते हाँ सतगुरु साहब जी के दिहाड़े मनाते हाँ तो सतगुरु जी गुरबाणी के विच सानू उपदेश देंदे ने ऐसे गुरु को धन कहिए। देखो जदों गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब मनाते हैं तो सिख भावना के नाल कहते हैं धन गुरु नानक साहब कहते हैं धन गुरु नानक साहब। सतगुरु जी के बचन ने गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुरसोई। तीन बार सतगुरु शब्द लिखते हैं पे ऐसे सतगुरु को धन को कैसा सतगुरु सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़ता कज्जिया। सतगुरु साहब जी ने दो बारी शब्द साहब जी बड़े प्यार के नाल कहते ने सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़ता कज्जिया। ऐसे गुरु नु सार संगत जी धन कहना उस गुरु का जिक्र करना है उस सिख का अज आप जिक्र करना है।
पहला गुरु साहब जी नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। किस गुरु साहब जी नूं आओ प्यार दे विच करण औण ते आवै ताए, करण औण ते आवै ताए, करण करण औण ते आवै ताए, करण औण ते आवै ताए, करण औण ते तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, करण औण ते आवै ताए, करण औण ते आवै ताए, करण औण ते सब थाई होए सहाए, सब थाई होए सहाए, सब सब थाई होए सहाए। सो गुरु साहब जी नूं धन कहना ते सत सिंह दूसरा गुरसिख नूं धन कहना। कई बार आपां कहिंदे आ जी किसे मनुख नूं किसे गुरसिख नूं धन कहना महाराज की हजूरी दे विच, ते सतगुरु साहब जी कोल ही पुछ लीए। आपां कहिंदे आ ना प्यार दे नाल धन धन बाबा बुढ़ा साहब, की कहिंदे आ जी धन धन बाबा। धन धन शब्द निकलदा ना बाबा बुढ़ा साहब जी वास्ते, असीं प्यार दे नाल कहिंदे आ धन धन बाबा दीप सिंह। की कहिंदे आ जी धन धन बाबा दीप सिंह जी। उन्हां महापुरशिखां नूं असीं धन कहिंदे आ, ते सतगुरु साहब जी गुरबाणी दे विच प्रमाण करदे ने धन धन सो गुरसिख कहीऐ, जो सतगुर सरणी जाए पिया। साहब जी कहिंदे ने ऐसे गुरसिख नूं धन कहीऐ। सतगुरु कैसे गुरसिख नूं? तां साहब जी कहिंदे ने उस गुरसिख नूं जिहड़ा गुरसिख गुरु की शरण पै गया, जिसने गुरु का पला पकड़ लिया। ते सब संगत अज आपां गल करनी है तेग बहादुर साहब जी महाराज की, बाबा मक्खन शाह बाणा जी की। दास अर्ज करे कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भोले साहब के बैठे सन ना बाबे बकाले, ते एक गुप्त मीटिंग हुई है गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ते बाबे मक्खन शाह बाणे। ते दो ही शख्सियतां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ते बाबा मक्खन शाह बाणा जी ने, भोले के अंदर कहड़ियां गल्लां होईयां, कहड़ियां विचारां होईयां। ते सतगुरु साहब जी ने ਉਹ ਭੇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀਏ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧ ਹੋਰੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਲਾਧ ਹੋਰੇ ਦਿਵਸ। ਮੈਂ ਸੁਖੈਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧ ਹੋਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਹੈ ਕੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਧੋਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
भाई लहरा जी ने गुरु अंगद देव जी महाराज को गुरगद्दी बख्शी है, उदो गुरु नानक साहब जी महाराज आप अपनी मौजूदगी गुरगद्दी दी। इसे तरह जो गुरु अमरदास जी महाराज को गुरगद्दी मिली है, गुरु अंगद देव जी महाराज आप मौजूद ने। सिद्धार्थ यह कहता है कि गुरगद्दी देने के समय जो पहला गुरु है वह सामने होना, वह मौजूद होना जरूरी है। सिद्धार्थ यह करते हैं गुरु अमरदास जी महाराज वेले गुरु अंगद देव जी महाराज मौजूद ने, गुरु रामदास जी महाराज के समय गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय गुरु रामदास जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज को जब गुरगद्दी दी है, जब सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी लाहौर जाते हैं ना शहीदी देने वास्ते, तो सतगुरु जी जान तो पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब के बालक हरगोबिंद गुरगद्दी की बख्शिश करते जाते। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आप गुरगद्दी की बख्शिश की छेवें पातशाह जी को, जब सतवें पातशाह जी तखत पर बैठते हैं तो सात संगत जी आप गुरु साहब जी ने बख्शिश की, जब सतवें पातशाह जी बैठे तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप अपने पोतरे गुरगद्दी बख्शिश करते। पहली बार होया कि कोई बाबा कोई दादा पोतरे नमस्कार करता हो, ऐसा होगा। तो सत संगत जी जब गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज को गुरगद्दी की बख्शिश हुई, आप गुरु हरराय साहब जी महाराज ने अपने शरीर के होंदया गुरगद्दी की बख्शिश अठवें पातशाह जी की। मैं अगे चले जावा, जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी पर बैठते हैं तो आप तेग बहादुर साहब जी महाराज जब चलते ने आनंदपुर साहब जी को गुरगद्दी दे के जाते, पर यह पहला समा सी जो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरगद्दी पर बैठे। सत संगत जरा अब गुरु लाधा ने दिवस मना रहे हैं, यह किवें जुड़िया? पहला कला बकाला सी, बाबा शब्द जरा बकाले के नाम कदम जुड़े, इसका नाम बकाले का पहला बकरिया वाला और फिर बकवाला कहते हैं। इतने बहुत बगले रहते सन, इस करके इसका नाम बकराला। तो एक आदमी रहा जरा बकरिया चारदा सी बकवाला भी, तो जरा बाबा शब्द है ना बाबे बकाले के नाल उदों जुड़ता है जब अठवें पातशाह करो कृपा श्री हरकृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। जब गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ये शब्द कहते ने, बाबा बसे ग्राम पकाले बापुर संगत ले सुबन। सो दास जी कर रहा सी, यह पहला समा सी जब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जमुना के किनारे ज्योति जोत समान को पहला यह बचन कहते हैं, बाबा वसे ग्राम बकाले। फिर उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उन्होंने कोल मौजूद रहे सन, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज सच्चे पातशाह दिल्ली के बच्चे ने, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भावें अजे गुरु नहीं बने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, पर आप श्रद्धा के नाल आप प्यार के नाल गुरु शब्द ही वरतना। उस वेले सतगुरु साहब जी बैठे ने बाबे बकाले दे विच अते उस भोरे साहब दे विच। सत संगत जी फिर एक किवें प्रगट किया? वैसे जो इतिहास के वल झाती मारो ना, यह जड़िया कुछ गुरियाई वाली रस्मां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के संबंध में, वह पहला भी सतगुरु जी ने अपने जीवन काल के निभा दियां। जिमें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का जो जन्म होता है ना सत संगत जी, तो सिख आवाजा कहदियां ने कि छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अमृतसर हरिमंदर साहब के कीर्तन सुन रहे सन आसा की वार का। जो सिख ने खबर दी कि सतगुरु तुहाडे ग्रह विखे पंजवें साहबजादे भाव गुरु
तेग बहादुर साहब जी का जन्म होया ते आसा दी वार का कीर्तन सब पूर्ण होने ते जो सतगुरु जी आए ना गुरु हरगोबिंद साहब जी मत्था टेकन वाली कुछ गल सिख इतिहास के उस वेले छेवें पातशाह जी ने जो दर्शन किए तो कहते भी छेवें पातशाह जी ने भी दोवें हाथ जोड़ के अपना इन सिर चुका भाई विधि चंद जी कहते हैं सतगुरु और नव जन्मे बालों अपना शीस चुका रहे हो इस प्रणाम कर रहे हो सतगुरु ने कहड़ी शख्सियत है उस वेले ही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने यह वचन कर दिते सन कहते सन कि यह बड़ी महान शख्सियत जी अज साडे ग्रह विखे जन्म हुई इसका जन्म होया इसने संसार में ऐसा कर्म करना है कि इस वर्गा कोई होर महान कर्म संसार दे विच कर नहीं सके उस वेले देखो मत्था टेकन की जी गल है गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आप से झुका दिता ते दूसरा साध संगत इतिहास के यह जिक्र मिलता है कि जदों छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अपने पोतरे हरराय गुरगद्दी की बख्शिश करते हैं तो माता नानकी जी ने गल दे विच पल्ला पाया तो दरबार सजिया तो छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज पुछ करते हैं कह लगे नानकी की कारण है तुहाडा चेहरा कुछ दस रहा है कि तुसी कुछ कहना चाहते हो तो माता नानकी जी आखन लगे पति गुरदेव तुसी गुरगद्दी की बख्शिश कर दिती पोतरे हरराय ते आ जरा मेरा पुत्र है ना प्यार दे नाल तेगा कहते सन आ जरा मेरा छोटा साहबजादा तेगा है ये बाहर ज्यादा विचरता भी नहीं किसी के नाल खुल के गल भी नहीं करता तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कह लगे नानकी कहना की चाहनी है तेनू की दुख दिंदा ते माता नानकी जी कह लगे पति गुरदेव जे दुख नहीं ना दिंदा तो सुख भी कोई नहीं दिंदा जे दुख कोई नहीं दिंदा तो सुख भी कोई नहीं दिंदा ते कह लगे माता नानकी जी मेरे इस पुत्र तेगे का की बनेगा तो उस वेले कुछ गुरग्या गुरयाई वाली जो साध संगत गलों ना सिख इतिहास के है डूबिया ने वाजन वाली ने तो उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अपने हथ एक रुमाल एक कटार एक गुटका यह तीन चीजा दिखाई तो कह लगे नानकी इस संभाल के रखना है अजे समा नहीं समा आप ते ए मेरे पुत्र तेग बहादुर को देनिया ने ते साध संगत जी उस वेले ये वचन नाल कहे कि यह जिते एक महान कर्म करेगा संसार दे विच कि इस वर्गा कोई कर्म कर नहीं सकेगा ते नाल ही ये वचन भी कह दिते नानकी इस दे घर को जोड़ा पुत्र वो बड़ी पुत्र पैदा होगा जो दुष्टा का नाश करेगा यह भी वचन हो गया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के ग्रह विखे पुत्र ने भी जन्म लैना है तो जो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने यह बख्शिश की ना कि इन्हों के ग्रह वो योधा पुत्र भी पैदा होगा माता नानकी जी को पूरी आस होगी पूरा विश्वास हो गया कि समा आन से मेरा बेटा गुरगद्दी पर भी बैठेगा गुरु भी बनेगा समा आते ते समा आते मेरे बेटे तेग बहादुर साहब जी के घर पुत्र भी पैदा होगा ये दो तत् जे पहला सत संगत जी हम इस पास के वाले आओ ये सतगुरु साहब जी फिर गुरगद्दी जी है ये किवें मिलती किवें सतगुरु जी गुरगद्दी पर विराजमान होते हैं किवें गुरु साहब जी प्रगट किया जाता है हम थोड़ा जहा पिछे आ जाओ ध्यान अपना ला जाओ धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जब मक्के की हज करते ना तो मक्के की हज करने बाद गुरु बाबा जी एक व्यापारी मिलता है उस व्यापारी का नाम है सौन मल बाबा सौन भी उसका जिक्र किया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਲ ਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੌਲ ਮਲ ਹੈ ਇਹ ਸੌਲ ਮਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਹੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਮਲ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਕਹੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹੋੜੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕਹੋੜੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਬਾਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਬਾਣਾ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਲਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਲੇਹੋ ਵੱਖਰ ਸਮਾ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੁਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲੁਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੂਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੂਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੂਣ ਸੀ ਬੜੇ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਉਸ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਲੂਣ ਦਾ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਲੋਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਏ ਲੋਬਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵਸਤਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਬਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ
कोई छोटा जा व्यापारी नहीं सी, कोई छोटा जा सेठ नहीं सी। मैं कहना शब्दा के नाल सिर झुक जाता है जो सिख इतिहास के भाई मनसुख का जिक्र कि एड्डा वड्डा व्यापारी भाई मनसुख। जो बाबे मक्खन शाह लवाने का जिक्र किया जाता है एड्डा वड्डा सेठ, जो लखी शाह पंजारे का जिक्र किया जाता है एड्डा वड्डा विशाल दिल। असी घर बनाने घर में बड़ा संभालते हैं, कोई कितने जो घर त्रेड़ आ जाए ना असी कोशिश करने पे इसको रिपेयर कर लिया जाए। मैं इस घर के बच्चे रहना तो कोई ऐसा है जरा अपना घर बनाया हो अपने घर में ही अग ला दे कि लखी शाह पंजारे को पता नहीं सी मैं रहना कितने अजे अपने घर में अग ला दी तो मैं रहना किस घर के कितने टिका करना। सो सत संगत जी बाबा मक्खन शाह लुबाणा लखी शाह पंजारा ते तीसरा एक सेठ होर जिसनों असी कहने दीवान टोडर मल। गल साझी करनी है केवल बाबा मक्खन शाह लुबाणे की गल नहीं करेंगे, केवल बरादरी की गल नहीं करेंगे। सत संगत कई बार मनुख के कोल धन तो होंदा है, अमीरी तो होंदी है, पर अमीरी होंदे उहदे कोल श्रद्धा नहीं होंदी, सख नहीं होंदी। पर जो इन सेठा के वाल आप देखते हैं ना बाबा मक्खन शाह लुबाणे वाल लखी शाह मंजारे वाल दीवान टोडर मल के वाल सदके सदके जाइए धन की है। ऐसे गुरसिखा गुरु ने अमीरी भी दिती है ते नाल श्रद्धा भी दिती है। सो तीसरा शब्द जरा लुबाणा ये जो मंजारे होंगे सन क्योंकि बाबे मक्खन शाह लुबाणे का व्यापार कोई छोटा नहीं सी। कहते हैं सैकड़िया की गिनती के बाबे मक्खन शाह जी के बेड़े सन जिसनों अस अज असी समुद्री जहाज कह दें, सैकड़िया की गिनती इतिहास ने कही है। तो जिथे भी बाबा मक्खन शाह जी जाते सन बहुत सारे बहुत लश्कर सिपाही अंग रक्षक जोड़े सन वह बाबा मक्खन शाह लुबाणा के नाल होंगे सन, क्योंकि जिथे लखा रुपया का जाके समान रखना है तो वो रक्षा भी चाहिए है ना, उसकी सेफ्टी भी चाहिए है, सुरक्षा भी चाहिए है, वो सपोर्टिंग भी चाहिए है। तो जोड़े सपोर्टिंग वाले सन तो उन्होंने लोह बाने पाए होंगे सन। की पाए होंगे सन जी? लोह बाने, लोहे के उपर पेशाब। तो इस करके एक नाम इन्हों का पै गया लोबाने लोह बाने। हम तीन शब्द हो गए, एक जड़ी किरत करते सन वो करके लोबाने, एक जरा व्यापार करते सन उन्हों की बोली दे, एक जड़े इन्हों अंग रक्षक सन उन्हों करके लोबाने पाए हो करके। तो गुरु प्यारे चौथा शब्द कदू जुड़िया लोबाने के नाथ, ये खिताब कदू मिलया जदू क्या ना गुरु लद हो रहे गुरु लद हो रहे गुरु लद हो रहे। उदू की किया सिखा ने लभ आने लभ आने पे ये गुरु लभण वाले ने ते कह लगे ये लभ आने ने ये लभ आने ने शब्द बन गया लुबाणा। हम उस लड़ी के वल आ जाओ बाबा सौन मल जी। बाबा सौन मल जी तो साध संगत जी इधर भाई कहोड़ू जी हम जड़ी पुरानी भट्ट पई है ना भट्ट पई सिंधी मुल्तानी उस दे विच एक राज जिक्र किया गया बाबा मक्खन शाह लुबाणा नायक अगे लिखिया पुत्र दासा जी अगे लिखिया पुत्र बन्ना जी अगे लिखिया पुत्र अर्था जी अगे लिखिया वंश जड़ी है वंश बाबा सौन मल जी अगे लिखिया नादी बहोरू जी के। सत संगत ये इतराज दर्ज है। तो अज जो 2004 के अफरीका के किनिया शायद सत संगत किनिया के पुलंदी के एक 2004 सर्च की गई तो जिथे उसे म्यूजियम है ना उसकी सर्च की गई तो उस सर्च के लिखा गया कि आ जिथे ये कामन हाउस बनया हाउस ऑफ कॉमन बनया किनिया के एक गुजराती सेठ का एक गुजराती व्यापारी का वेयर हाउस। देखो सत संगत उस वेले की गल है यह 2004 सर्च की कहते हैं ये जरा वेयर हाउस ये
बाबा मक्खन शाह बाणे के पिता भाई दासा जी। हुण देखो कि कितना वड्डा व्यापार जिहड़ा है ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਲੋਬਾਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਮਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1619 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਿਸਾਖ ਤੇ 1589 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਟਾਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਟਾ ਟਾਂਡਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਇਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਵਿਸਾਖ 1589 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਲੀਗੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 200 ਸ਼ਿਕਲੀਗੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ! ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਰਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 22 ਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਧੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 54 ਬਸੰਤ ਸਨ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧੀਰ ਮਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਸੰਤ ਸਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ,
गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि नानके घर के विच नहीं रहना, नानके परिवार के विच जाके नहीं रहना, सतगुरु जी किथे रहना है। ते सतगुरु जी का प्यार वाला सिख जी भाई मेरा कहते ने उस सिख के घर के विच रहना ये जिथे भोला साहब। ते किन्ना चिर हो गया सत सिंह जी, 26 साल 9 महीने ते 13 दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जरा उसे वोट लगाया वो पढ़ लियो तकरीबन 27 साल जो समा बनता उथे बैठ के मालिक के गुण गाए, मालिक दियां सिफतां कीतियां। ते इधर आ जाओ जी बाबा मक्खन शाह लंबाणा जी वाले कहिंदे ने जदों पार कर रहे ने समान लंदिया बेड़िया दे विच ते सब संगत सिंध दरिया का जिक्र है, दरिया सिंध का जिक्र है कि जरा इन्हों का बेड़ा सी कहते रेता रेता फस गया। पर ख्याल करो जरा बेड़ा सी ना वो बरेते नहीं फसया, बरेता की है जिते रेत जम जाती है ना उच्चा जहा टिब्बा बन जाता तो उन्होंने बरेता कहते हैं। तो उस टिब्बे के बाबा मक्खन शाह लवाने का जहाज फस गया। तो ख्याल करो जो जहाज फसया होता ना तो कोई इन्नी चिंता वाली गल व्यापारी नहीं होती, जे जहाज ब्रेका दे फस जाए क्योंकि वड्डे व्यापारी सन की करते सन जो जहाज फस भी जाता सी आता सी जान ते थोड़ी चिर इंतजार करने तो बाद पानी दी छलां आंदियां तो बेड़ा चल पैंदा सी। जां फिर जिहड़े वड्डे व्यापारी होंदे सन ये छोटे जहाज वो बेड़े मुकवा के उन्होंने समान अपना कट लैंदे सन। असल दे विच जहाज बाबे मक्खन शाह लवाने का ब्रेते दे विच नहीं फसिया, वो तेनू तरमेनू जिथे तीन नदियां का समेल होंगे ना जिथे तीन नदियां आके कठिया मिलदिया ने वो छला आदि ने पानी का वेग आता है साफ संगत उथे एक ऐसा भवर बनता है जिन्हों भूचाल की शक्ल कह लो ऐसा लहर उठदिया ने उस तेनू के बाबे मक्खन शाह लवाना जिहड़ा सी उन्हां दा बेड़ा घिर गया। कोई आस नहीं सी ते इतिहास दीआं पंक्तियां ने होए एकागर चित को उच्चारण किया जप जी एकाग्र होकर बाबे मक्खन शाह जी ने जप जी साहब जी का पाठ किया ते अरदास की। ज्ञानी की पहला कह रहे सन पे वो किवें अपने सेवक की रखना है, अरदास की महाराज बेड़ा पार लग जाए। तो एक कहते ने सुखना सुखी, गुरु घर के सुखना का सवाल नहीं, सुखना तो यह है कि सतगुरु काका देगा तो ता खंड पाठ कराना, यही सुखना सुखने ना काका देगा तो खंड पाठ कराना, जे काका ने दिता तो खंड पाठ भी कोई नहीं कराना। सुखना नहीं सुखी कह लगे महाराज मेरा बेड़ा पार लग जाए नाम कसवंती भी बहुत सारी माया इकत्र है ते ए आके तुहानू भेटा करांगा। कहिंदे ने गुरु साहिब जी ने नेड़े होके अपना मोढ़ा लगा के अरदास सुनी बेड़ा पार लगा। ते इधर गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज 30 मार्च 1664 ज्योति जोत समाए, ये डेट नोट करो 30 मार्च 1664 ज्योति जोत समाए। हुण गुरु कहना गुरु जोत किसने कोल है किसने गुरु मनीए, पहला भी 2 बारी गुरु नूं लभिया गया, बाबा बुढ़ा साहब जी ने 2 बारी लभिया, एक बारी गुरु अंगद देव जी महाराज जो माता भराई जी के घर जाके सुखे सन गुरु अंगद देव जी लभिया, बाबे बुढ़ा साहब जी ने लभिया। ये 2 गुरसिख बड़े महान ने, बाबा बुढ़ा साहब जी ते बाबा मक्खन शाह जी लवाना ये गुरु नूं लभण वाले, गुरु लभ के दिता इन्हां। ते दूसरा लभिया सी बाबा बुढ़ा साहब जी ने जदों गुरु अमरदास जी महाराज बासर के सन साहब गुरुद्वारा जिथे ना उत्थे जाके छिपके सन गुरु साहब जिथे गए उस वेले भी बाबा बुढ़ा साहब जी ने लभिया। पर यह दोनों समय के जो बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु साहब जी ने लभिया ना उस वेले इन्ना तो पता सी कि गुरु केड़ा है, उदों पता सी ना कि गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु ने, भावें छिपके सन कमरे के पर पता सी गुरु अंगद देव। जो गुरु अमरदास जी महाराज को लभ्या उदो पता सी कि गुरु अमरदास जी महाराज तखत के सवायमान ने, पर यह बड़ा औखा समा सी केवल लबाणिया के गुरु नहीं, केवल लबाणिया का दिन नहीं गुरु लाभ ने दिवस ये समुचे सिख जगत के वास्ते बड़ा औखा समा सी कि गुरु जोत किस दिन है गुरु कहड़ा है। तो सात संगत के बाबा मक्खन शाह कई बार आप कहने को नहीं
और आस पूरी होगी अरदास पूरी होगी है ये अगले साल कर लवेंगे ये 6 महीने ठहर के काम कर लवेंगे। पर बाबा मक्खन साहब वाला साध संगत जी आया पहला दिल्ली गया, दिल्ली में पता लगा कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ज्योति जोत समा ते कह के बाबा बसे ग्राम बकाले भरोसा हो गया कि जे गुरु जोत है तो वह बकाले दे विच है, बकाले तो बिना वो होर गुरु जोत किधर नहीं हो सकती। जो साध संगत बाबे बकाले आया ना बाबा मक्खन साहब एक गल अज सेध लैके जाए क्योंकि सिख चैनल के राही यह संसार भर के अज की कथा सुनी जानी है तो केवल टबाणिया की गल नहीं करनी, केवल बरादरी की गल नहीं करनी, केवल कौम की गल नहीं करनी। कई बार असं गुरु साहब जी की हजूरी के बैठ के मैं गल कहना, कई बार असं बरसिया बनाने ना संतों दियाँ जा महापुरखा दियाँ तो असं भुल ही जाने कि गुरु ग्रंथ साहब जी का भी प्रकाश है, असं गुरु नहीं भुल जाने, गुरु की गल कोई करते ही नहीं, बस उस शरीर की गल के नाल ही भुल जाते। अज बाबे मक्खन शाह जी यह सीधा सिक्ख्या लैके जानी है कि बाबे मक्खन शाह जी ने गुरु पर कैसी सत्ता रखी, कैसा भरोसा रखिया। तो जो बाबा मक्खन शाह आया ना बाबे बकाले तो ये जो व्यापारी होंगे ने बंजारे होंगे ने साध संगत जे तुसी चीज 100 की खरीदी है तो बेच दो 90 की तो वह व्यापारी कोई लाहा कटेगा सफल होगा नहीं। व्यापारी तो वह होंगे जेदे कोल सियाणप होंदी है, जो सस्ती चीज खरीदा तो महंगी बेचता है। तो जो ये आया ना साध संगत जी बाबे बकाले इन्हें देखा कि इन्ने गुरु साध संगत जी फिर की होया जो बाबे मक्खन शाह देखा पे आ गया मसंदा भी पता सी धीर वालू भी पता सी बड़े पैसे वाला बड़ा धन है देखो आप देखते हैं जो कोई अमीर आ जाए ना असं कहने जी आओ जी इस जगह पर बैठो वो बड़ी आओ भगत करते हैं जो कोई अमीर आवे तो खास करके जो किसी संत साहब के कोल अमीर जाता है ना जिनी माया ज्यादा रख लवो उन्ने थापड़े ज्यादा लै लो यही है ना जिनी माया ज्यादा रखोगे उन्ने थापड़े ज्यादा लवोगे। पर मेरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी देखो कैसे ने भावें कोई एक पैनी गुरु कुछ पा रहे भावें कोई पौन भावें कोई 10 पौन भावें कोई 50 पौन मेरे सतगुरु ऐसे ने जेड़े सारियां एक जैसा प्यार दे जेड़े सतगुरु जी सारियां एक दृष्टि के नाल देखते हैं। तो बाबा मक्खन शाह बड़ा सियाणा सिख सी साध संगत सिख के कोल श्रद्धा भी होवे तो सिखा केवल श्रद्धा ना होवे अज सबक ला के जाए गुरु लाल दौरे दिवस की है तेरे कोल श्रद्धा के नाल नाल तेरे कोल ज्ञान भी हो तेरे कोल सोझी भी हो। तो बाबे मक्खन शाह के कोल दोनों ही सन, श्रद्धा भी सी ते ज्ञान भी सी। जब देखिया पाई क्या लगा कि दो मोर रखांगा हुण बाबे मक्खन शाह नूं पता कि दसवंत की माया किन्नी है दसवंत दी मोर किन्नियां पता नहीं 500 है कि जां 5000 है ये बाबे मक्खन शाह नूं पता है। तो जो दो मोर रख के मत्था टेकदा ना सारे थापड़े दे जांदे सारे सरूपे दे जांदे सारे कहंदे ने बाबे मक्खन शाह नूं जी लंगर जरूर छको आप कहंदे जी आप लंगर छकाइए क्योंकि पूरा तो कोई भी नहीं सी। ते जिहड़ा धीर मग है धीर मग दे कोल गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप सी आज भीड़ सी ते साध संगत अडंबर बड़ा सी धीर मग दा जदों बाबा मक्खन शाह धीर मग दे कोल गया ना मन दे विच आया कि कितरे ए पूरा गुरु ना होवे परख कर रहा अजे परख कर रहा ते कहंदा कि दूसरिआं नूं 2 रखिआ तूं 5 रख के मत्था टेक जदों 5 मोहरां रखिआ ना धीर मग धीर मल ने भी थापड़ा दे दिता। तो बाबा मक्खन शाह कहता है मंगते ने कोई गुरु थोड़ा है साध संगत जी देखो कितना सियाणा सिख है अजे तक पता है पीर गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप बाबे धीर मल दे कोल है पर सियाणा इन्ना सी कह लगा स्वरूप भावे बाबे धीर मल दे कोल है पर यह गुरु नहीं है पर इस दे विच गुरु जोत नहीं है। सिखा सियाणा बन जा अज लोड़ है बाबे मक्खन शाह लुबाने वर्गे प्रचारकों की सियाने सिखा आज देखो फुल पे ना मारे जाए हजूरी दे विच ते जिहड़े बनौटी फुल ने इन्हां ते कदी भवरा नहीं आए कदी भौरा नहीं आए नहीं ना ते जे असली रख लो ते देख लो असलियां ते आ जाओ उन्हां नूं पता लग जाणा कि ये असली है ते ये नकली है।
देखो साध संगत जी जिन्नी मर्जी वधिया जलेब की फोटो तुसी कंप्यूटर तो कट लो वधिया बड़े वधिया रंग भर लो कभी मक्खी उसते आके नहीं बैठेगी जड़ी असली होगी उसते आके बैठ जाएगी गुरु के सिखा तीन बजे तक पता ही नहीं लगा पे असली गुरु कहना तो नकली कहना तेनू अजे तक पता ही नहीं लगा पे ये गुरु की गल कर रहा है ये गुरमत की गल कर रहा है कि ये मनमत कर रहा है असं कहने भी अभी पैदा हो गए राम रहीम आशुतो जो पैदा ही नहीं सन जो सिख सियाना होंगे सात संगत जो सिख सियाना होंगे ना अज जो संकट के बीच असं गुजर रहे हैं ये देह भारी पैदा ही नहीं सी बाबे मक्खन साहब की सेहत ला रही है जी गुरु लाभदोरे की है गुरु लभ्या की है यह सेहत ला रही है पूरे नहीं शाम पै गई बार बार आए मकाले तू तो एक बिरत मां पूछते ने मां ये जिन्हें है मैं सारे देख लिया कोई होर भी है इस बाबे मकाले कह बेटा एक है तेगा तेगा कहते ते मैं माफ कर दो इतिहास ने कहते ने कहते सन महाराज तेगा कमला भी कहते कई लोग तेगा सदाई भी कहते लोग बख्शते ना किस नहीं बख्शते गुरु नानक साहब जी ने महाराज उन्होंने बख्शा महाराज तो आप कहते रहे कि जो मैं गुजरता सब कोई कहते सन के ताला जा रहा कोई कहते सन पागल जा रहा कोई कहते सन सदाई जा रहा तो गुरु बाबा जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी कई लोग ऐसा कहते सत संगत जी कह लगे एक है तेगा तेगा कहते नहीं बस भोरे के बच्चे बैठा मालक की भगती कर रहा है गुण गा रहा है तो बाबा मक्खन शाह कहते मैं उसके भी दर्शन कर दिया तो वह भोरा साहब सत संगत जी भोरे के जान की मनाई से देखो समा कैसा आया भोरे के जान की मनाई तो केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नहीं इतिहास कहता माता गुजरी जी ने भी नाल बैठ के मालक के गुण गाए तो प्रशादे की सेवा जी ना लंगर पानी की सेवा माता नानकी जी करते हैं मैं कहना माँ भी कैसी धोवेगी जी नूह पुत आखे कि तुम बैठ के भगती करो तो मैं थोड़े वास्ते प्रशादा बनावगा नूह आखे बेटा तू भी नाल बैठ के गुण गा तो प्रशादा मैं बनावगी माता नानकी जी प्रशादे पाने की सेवा करते ते आग्या लैके माता जी ने बेनती की मैं दर्शन करने चाहता माता जी ने कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं नहीं मां जी मेरे ते कृपा करो मैं उन्होंने दीदार करना चाहना तो हम देखो जी अंदर भोरे के अंदर गुप्त मीटिंग हुई है ना गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाबा मक्खन शाह जी ने जो अंदर चले गए ना तो सतगुरु साहब जी ने जो किए दर्शन जो किए दीदार तो ख्याल करो सतगुरु साहब जी ने भी मोहर पहला दो ही रखी है मक्खन शाह तो सतगुरु जी ने यह नहीं कहा मैं मक्खन शाह तू कोई वधीकी की है गुरु प्रताप स्वामी ग्रंथ में बचन ने भो मक्खन तू अत सियाना साहब जी कह लगे मक्खन शाह तू सियाना सिख किन्ना सियाना है जी जो तू सारे की परख कर रहा तो मक्खन शाह कहता है जो सूरज है सूरज ठंडा हो सकता है जोड़ा चंद्रमा है चंद्रमा अपना सुभाव छड़ सकता है गर्म हो सकता है हवा रुक सकती है पहाड़ खंभ ला के उड़ सकते हैं समुद्रा का पानी सुख सकता है पर जो गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने बचन कहे ना बाबा वसे ग्राम मकाले वह बचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता दो मोहरा रख के मत्था टेकया तो सतगुरु जी कह लगे भो मक्खन तू अत सियाना सियाना सिख है तो नाल सतगुरु जी ने ना ऐ मोढ़े तो पकड़िया कह लगे मक्खन शाह गल यह है पे असी गुरु नानक के घर के नाल तोड़ना नहीं जोड़ना तेरा सिदक टुट जाएगा तेरा विश्वास टुट जाएगा पे कोई भी पूरा नहीं क्योंकि जो गल की है गुरबाणी ने पूरे की की है कच्चे पिले गुरु की गल नहीं है गुरबाणी ने आप पंक्तियां पढ़ो जी गुरपूरा कृपा धारी गुरपूरा कृपा धारी गुरपूरा भेटो बड़पा गुरपूरे का जपया जा पूरे गुर का सुरूप देश गुरु के नाम पूरा लिखा ना पे गुरु पूरा होना चाहिए तो सात संगत जी पूरा गुरु तो मक्खन शाह ऐ मोटे तू पकड़ के ना कह लगे मक्खन शाह पे तेन तोड़ना नहीं गुरु नानक के घर के नाल तेरा सिदक टुट जाएगा
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 500 ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਮੋਢਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਜੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੌਣੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਪ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਭਗਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਸਰੋ ਲਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਛਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਹ ਦੋ ਬੰਜਾਰੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਹ ਦੋ ਲੁਬਾਣੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ